गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूँ लहसुन के खेत में, और लहसुन की जो खेती है किस प्रकार से किसान करते हैं, क्यारे बना करके लहसुन की चौपाई जो की है वो हाथ से की है, और देसी लहसुन का खेत है। अभी तक जो लहसुन की ग्रोथ है वो लगभग 2 महीने के समथिंग होने को आई है। हालांकि बहुत सारे किसान हैं वो जल्दी लहसुन की बुआई करते हैं, लेकिन हमारा जो इलाका है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजस्थान का जो इलाका है, इस इलाके की बात करें तो इस इलाके में जो लहसुन की खेती है वो थोड़ी देरी से होती है, क्योंकि यहाँ की जमीन देरी से जो फसल है वो देरी से यहाँ पर निकलती हैं, और अगेती अगर यहाँ पर लहसुन की खेती करते हैं तो वो लहसुन की खेती उस प्रकार से नहीं होती है, बढ़िया क्वालिटी की लहसुन नहीं बैठती हैं। तो लहसुन की जो खेती है दोस्तों, वो अभी तक लहसुन की चौपाई पूरी तरह से हो चुकी है। पूरा प्लाट मेरे पीछे आप देख सकते हैं लहसुन का पूरा है, और मैं आपको सामने वाले कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि अभी तक कितनी ये ग्रो कर चुकी है। ये देखेंगे दोस्तों, तो ये लगभग 2 महीने की फसल हो चुकी है, और अभी तक इसके अंदर जो है वो ग्रोथ इतनी इसकी लहसुन की हो चुकी है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अभी इसमें जो DAP और यूरिया खाद दिया हुआ है, और इस प्रकार से ये जो क्यारे बना करके इनको पिलाई करते हैं, तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 पिलाई इसकी करनी पड़ती हैं। और ये पूरा जो प्लाट है, पूरा लहसुन का प्लाट है इस प्रकार से, और उस तरफ जो लहसुन लगाए हैं वो G2 लगाए हैं, और इस तरफ जो है वो देसी लहसुन है। तो दोनों ही क्वालिटी यहाँ पर हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों तरफ से लगा रखी हैं। तो G2 की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी चल रही हैं, और ये देसी लहसुन है ये थोड़ी हल्की चल रही हैं, थोड़ा इसके अंदर पिलासपन है। फिर भी लहसुन की जो अभी तक ग्रोथ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, और अच्छी लहसुन जो है वो अभी चल रही है। ये देखेंगे दोस्तों, तो ये लगभग 2 महीने की फसल हो चुकी है, और अभी तक इसके अंदर जो है वो ग्रोथ इतनी इसकी लहसुन की हो चुकी है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अभी इसमें जो DAP और यूरिया खाद दिया हुआ है, और इस प्रकार से ये जो क्यारे बना करके इनको पिलाई करते हैं, तो लगभग यहाँ पर 8 से 10 पिलाई इसकी करनी पड़ती हैं। और ये पूरा जो प्लाट है, पूरा लहसुन का प्लाट है इस प्रकार से, और उस तरफ जो लहसुन लगाए हैं वो G2 लगाए हैं, और इस तरफ जो है वो देसी लहसुन है। तो दोनों ही क्वालिटी यहाँ पर हमने अलग अलग क्षेत्र में दोनों तरफ से लगा रखी हैं। तो G2 की जो क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी चल रही हैं, और ये देसी लहसुन है ये थोड़ी हल्की चल रही हैं, थोड़ा इसके अंदर पिलासपन है। फिर भी लहसुन की जो अभी तक ग्रोथ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है, और अच्छी लहसुन जो है वो अभी चल रही है। पानी पिलाई के लिए हमारे पास कुएं का जरिया है, इसके साथ ट्यूबवेल का जरिया भी है, तो हमारे कुएं से ये पानी आ रहा है। इस प्रकार कुएं की मोटर चल रही है, और ये हैं जो अलसी की फसल है। अलसी की फसल को हम ये अभी तक 2 बार पहले पिला चुके हैं, और ये तीसरी पिलाई इसकी कर रहे हैं। तो ये अलसी की पूरी आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नज़दीक से दिखाएं तो ये प्रकार से अभी तक इसके अंदर फूल नहीं आए, लेकिन लगभग समथिंग ये जो 1 महीने और 5 दिन की फसल हो चुकी है, और इतनी ये अभी तक ग्रो कर सकती हैं। अलसी की फसल है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल नज़दीक से भी दिखाएं तो ये इस प्रकार से पूरी अलसी की फसल चल रही है, और अभी तक तो इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। बादल छाए हुए हैं, थोड़ी छाँव आ चुकी हैं, लेकिन जो हमारी जो मेथी की फसल दोस्तों मैं दिखाऊं, तो मेथी ग्रोथ इसकी बहुत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा मौसम ठंडा चाहिए फसल के लिए। हर किसी भी प्रकार की फसल हो तो उसके लिए मानसून थोड़ा ठंडा होना चाहिए। इस साल जो है वो गर्मी अत्यधिक पड़ रही है। अभी दिसंबर का महीना है, और दिसंबर की आज लगभग 23 तारीख 24 तारीख हो चुकी है, तो जो 23 और 24 25 के समथिंग 25 क्रिसमस हैं, तो उससे भी पहले दोस्तों काफ़ी अभी इतना ठंडा नहीं है। पूरा जो प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में गर्मी देखने को मिल रही है, तो मानसून में जो ठंडक नहीं होने के कारण जो फसलें हैं वो ग्रोथ इनकी इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। अगर सामने वाले कैमरे से दिखाऊं मैं मेथी की फसल, तो लगभग 1 महीने की हो चुकी है, और इसमें फूल भी आ चुके हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बिल्कुल नज़दीक से कि मेथी की फसल किस प्रकार की अभी कंडीशन इसकी देखने को मिल रही है। ये है दोस्तों मेथी की फसल, और इस प्रकार से इसकी अभी तक कंडीशन हो चुकी है। इसमें कहीं कहीं देखेंगे तो आप ये फूल भी आने लगे हैं, और इसके अंदर जो है मेथी की फसल के अंदर दोस्तों ये इस प्रकार से ये ग्रोथ कर रही हैं। काफ़ी छोटी हैं और इसकी हाइट भी नहीं हुई है, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रही हैं। उतनी अच्छी कंडीशन में अभी तो नहीं आई है फिलहाल, तो जब तक ठंडी पड़ेगी तब तक मेथी की जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। कहीं कहीं इस पर जो ब्लैक कलर का मोल आता है वो भी देखने को मिल रहा है,
तो इस प्रकार से ये अभी से इसके अंदर मोहल्ला भी आने लगा और फसल ये इतनी सी भी अभी ग्रो कर चुकी है, इससे ज़्यादा ग्रो नहीं की है। मेरे पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों आप, इस ये चने का खेत है, इसके अंदर कहीं कहीं सरसों भी हैं, तो ये चना पूरा जो है अभी तक अच्छे से इसके अंदर फाल आ रहा है, उसको एक भी पानी अभी तक नहीं पिलाया है। और चने की जो हैं वो छोटे छोटे दाने भी इसके अंदर बनने लगे हैं और फूल भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में आ रहे हैं। सामने वाले कैमरे से मैं आपको चने की फसल दिखा देता हूँ कैसी है। ये देखेंगे दोस्तों तो चने की फसल अभी तक इतनी ये ग्रो कर चुकी है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं और कहीं कहीं इस प्रकार से इसके पोपटे भी बनने लगे हैं। तो ये चने की जो फसल है और इसके अंदर कहीं कहीं सरसों भी हैं, क्योंकि सरसों डाल दी थी उसकी वजह से, और चने के अंदर जो पूरी तरह से फाल है वो पूरी तरह से अच्छा आ रहा है, इसमें बिल्कुल पिलाई नहीं की है। लास्ट टाइम में जो मावट हुई थी उस समय इसको चने की बुआई कर दी थी और समथिंग ये भी 1 महीने और 20 दिन की फसल लगभग ये चने की फसल हो चुकी है। तो लगभग ये बहुत ही जल्दी इसके अंदर पकना स्टार्ट हो जाएगा दाना। तो ये जो है बहुत ही अच्छी अभी वर्तमान में चने की फसल की कंडीशन आप देख सकते हैं, इस प्रकार की ये कंडीशन देखने को मिल रही है। ये आप देखेंगे तो चने की जो छोटे छोटे ये गेगरे हैं ये बनने लगे हैं इसके अंदर ये इस प्रकार से, और फूल भी अभी तक आ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये चने जो है इसके अंदर दाना बन जाएगा पूरी तरह से और ये चने पकने लग जाएंगे, तो ऊपर से भी अभी इसमें फूल आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ गेहूं के खेत में और गेहूं की जो बुआई है लोकवन गेहूं है, और हमने ये गेहूं जो है मशीन द्वारा लगाए हैं और अभी तक इनकी ग्रोथ इतनी हाइट ज़्यादा नहीं हो पाई है क्योंकि ठंडक बहुत कम है। गेहूं के लिए मानसून जो है बिल्कुल ठंडा मानसून चाहिए, इसके लिए जो तापमान है वो बहुत ही कम चाहिए, और वर्तमान में जो तापमान है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से दिन में जो तापमान है गेहूं के लिए लगभग जो समथिंग तापमान है वो न्यूनतम तापमान चाहिए, अच्छे ठंड वाला मौसम होना चाहिए ताकि इसमें जो बालियाँ हैं वो जल्दी ना निकलें और धीरे धीरे बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाएँ। तो उसके लिए गेहूं की जो ग्रोथ है अभी तक कम ही हुई है, हालांकि हमने गेहूं लेट लगाए थे, जितने लेट लगाएंगे उतने लेट अच्छे होते हैं, उसकी वजह से गेहूं को लेट लगाना ही उचित है, जल्दी लगाते हैं तो अभी जो तापमान है उस तापमान में गेहूं में छोटे छोटे गेहूं में ही बालियां निकलने लग जाती हैं और उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। ये अभी तक वर्तमान में गेहूं की कंडीशन हो चुकी है दोस्तों, सामने वाले कैमरे से आपको दिखा देता हूँ मैं। इस प्रकार से ये गेहूँ की जो फसल है अभी तक ये पूरी इतनी बड़ी हुई है, अभी इसमें बालियां निकलना स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि गेहूं की फसल में जल्दी ही बालियां निकलने लगी, क्योंकि वो जो गेहूं है दोस्तों वो जल्दी बुआई कर दिए थे किसानों ने, और इतना जो तापमान है ठंडा नहीं हुआ है, मानसून जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक गेहूँ की फसल अच्छी उपजाऊ नहीं होगी और उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। तो गेहूं के लिए जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा मौसम चाहिए, ठंडे प्रदेशों में गेहूं बहुत ही अच्छे उत्पादन इसका बैठता है, तो इसके लिए जो तापमान है दिन में भी कम चाहिए और रात में भी थोड़ा तापमान कम चाहिए, तो गर्मी की वजह से गेहूं में जल्दी से बालियां निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये अभी जो कंडीशन आप देख रखे हैं इतने बड़े अभी तक ये गेहूँ की फसल हो चुकी है। दोस्तों चिया की फसल की बात करेंगे तो मेरी जो चिया की फसल है ये ग्रोथ इसकी हाइट अभी इतनी हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी लेट इसको लगाया था, तो ये लगभग 1 महीने की अभी हुई है और चिया की फसल ठीक ठाक चल रही है, इसका प्राइस भी अच्छा मार्केट में प्रति क्विंटल समथिंग जो है वो 35 से 45 के बीच में रहता है। इस वर्ष शायद किसानों ने ज़्यादा ही चिया लगा दिया है, मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है चिया की फसल लगाते हुए और काफ़ी किसानों ने चिया की फसल लगाई है, तो प्राइस एंड जो रहता है उस समय क्या रहेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो चिया की फसल है अभी जो है ये पूरा मैंने लगभग 1 से 1.5 बीघे के भी अंदर ये चिया की फसल लगाई है। इसको मैं आपको सामने वाले कैमरे से भी दिखा देता हूँ कि कितनी बड़ी अभी तक ये कितनी ग्रो कर चुकी है। ये इस प्रकार का पौधा रहता है दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको नज़दीक से बताऊँ तो ये चिया का पौधा इस प्रकार से रहता है और ये पूरा चिया की फसल का पूरा प्लाट है जो मैंने लगाया है, ये चिया की फसल है और इसकी जो कंडीशन है अभी तक इस प्रकार से हो चुकी है। इसको हमने 3 पिलाई अभी तक कर चुके हैं और पौधा है जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल अच्छा चल रहा है। इसके ऊपर अभी तक तो किसी दवाई का या किसी प्रकार का कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता है, हालांकि लास्ट टाइम तक भी इस पर कभी कोई स्प्रे मैंने नहीं किया है, पिछले 2 साल से चिया की खेती कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा उत्पादन हुआ है और मैंने 40 से 45 हज़ार प्रति क्विंटल के भाव से भी इसको मैंने बेचा है,
तो ये जो चिया की फसल है ये इतनी अभी तक पूरी तरह से ये इतनी ग्रो कर चुकी है। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ अपने सरसों के खेत में, और सरसों की बात करेंगे तो सरसों में पूरी तरह से इस प्रकार से फली बन चुकी हैं, ये देखेंगे आप। तो काफ़ी अगेती हमने ये सरसों की फसल लगाई थी और अभी तक इसमें फूल जो हैं वो केवल ऊपरी साइड पे रह गए हैं, बाकी नीचे से ऊपर तक पूरी फली बन चुकी हैं। तो लगभग ये फसलें बहुत जल्दी हमने लगाई थी, लगभग ये एक महीना और लगभग 25 दिन की हो चुकी हैं, अच्छे से ग्रो कर रही हैं और अच्छी चल रही हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये फसल जल्दी ही पकने वाली हैं। सामने वाले कैमरे से भी मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि सरसों की फसल अभी तक कितनी अच्छी कंडीशन में खड़ी है। ये पूरा प्लाट देखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल सरसों की फसल जो है वो आड़ी पड़ने लगी हैं, इसके अंदर दाना बनने लगा है, तो वजन भी होने लगा है। तो वजन होने की वजह से ये झुकने लगी थी, तो ये अभी झुकने लगी हैं और ये पूरा प्लाट आपको सरसों का दिखाई देगा। ये बहुत ही शानदार अभी जो है फसल ग्रो कर चुकी हैं, और अब इसके अंदर जो है वो ब्लैक कलर का जो मोहल्ला है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि अब जो लेट लतीफ जो फसल लगाते हैं उसके अंदर फूलों के ऊपर जो है वो मोहल्ला आने लग जाता है, और फूलों की जो गति है उसको सरसों की फसल को आगे बढ़ने से और फलियों को बढ़ने से रोक देता है। तो जल्दी अगर सरसों की फसल लगाएंगे तो इस प्रकार से जल्दी फसल आपकी ग्रो करने लग जाएगी और जल्दी ही इसके अंदर दाने बन जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दवाई का स्प्रे की आवश्यकता इस पर नहीं पड़ेगी। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ अपने अफीम के प्लाट के अंदर, जो दशहरी का अफीम का प्लाट है, और अफीम की जो फसल है उसकी खेती किस प्रकार से की जाती है मैंने पिछले साल भी आपको पूरा वीडियो दिखाया था, तो इस बार भी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने की करूँगा कोशिश शुरू से लास्ट तक। फर्स्ट में मैंने वीडियो भी दिया था दोस्तों कि अफीम को किस प्रकार से बुआई की जाती है। तो अभी तक जो अफीम की फसल दोस्तों हमने लगाई थी उसके बाद अभी तक कितनी ग्रो कर चुकी हैं देखते हैं। चलिए, ये अफीम की फसल है दोस्तों, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट से जो लाइसेंस है वो मिलता है। इस वर्ष लगभग सभी किसानों को समान लाइसेंस मिला है, दशहरी का रकबा सभी को दशहरी का लाइसेंस मिला है। और अफीम की खेती जो होती है दोस्तों वो काफ़ी मेहनत और हार्ड वाली खेती होती है, तो इसमें जो हमने शुरू में आपको बताया था मैंने खाद 2 ट्राली देसी डाला है, उसके बाद जो सल्फर और DAP दिया है, उसके साथ ही हमने जो उसके अलावा जो अभी जो फसल जो बादल छा गए थे उसकी वजह से इसको तेज़ धूप नहीं मिली, और उतनी जो मानसून है मानसून काफ़ी परिवर्तनशील हर बार हो रहा है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, उसकी वजह से जो फसल है थोड़ी इसमें जो पीलापन है वो पीलापन आपको पत्तियों में देखने को मिलेगा। उतनी अच्छी जो ग्रोथ प्रतिवर्ष करती हैं उतनी शानदार ग्रोथ इस वर्ष अफीम की देखने को नहीं मिल रही है। इसका प्रभाव यही पड़ रहा है कि अभी तक जो दिसंबर का महीना हो चुका है लेकिन जो ठंड का मौसम है वो ठंड उतनी नहीं पड़ी है जितनी ठंड प्रतिवर्ष शुरुआत में दिसंबर में पड़ने लग जाती है। तो अभी काफ़ी समय गुजर चुका है, हालांकि अभी भी इतना जो मौसम है वो ठंडा नहीं हुआ है, फिर भी टेम्परेचर ज़्यादा ही अभी दिन में बता रहा है। तो टेम्परेचर के लिए काफ़ी विशेष डिफरेंस फसलों पर पड़ता है, जितना टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा तो फसलों में ठंडक रहेगी तभी उनकी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये अभी अफीम के पत्ते में आपको दिखाऊं तो अफीम के पत्ते इस प्रकार से पीले भी पड़ रहे हैं, और इस प्रकार से ये पीले पीले जो पत्ते पड़ रहे हैं तो इस प्रकार से जो फसल हैं वो अच्छे एकदम से सही कंडीशन में ग्रो नहीं कर रही हैं। तो बहुत ही अच्छी फसल इस बार अफीम की थोड़ी सभी तरफ सभी क्षेत्रों में हर किसानों के मैंने देखा है कि इस प्रकार से जो है पीलासपन इसके अफीम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये है दोस्तों अफीम का जो खेती होती है किस प्रकार से होती है, ये अफीम है, और लास्ट में किस प्रकार से अफीम को निकालते हैं एंड तक मैं आपको लगातार वीडियो दिखाता रहूँगा। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। ये थी अफीम की फसल के पौधे जो मैंने आपको दिखाए हैं।